हरियाणा के जिले करनाल के सचिवालय में न्याय की गुहार को लेकर एक परिवार बच्चों पशुओं के साथ पहुंच गया। सचिवालय के बाहर पशुओं को बांधकर प्रशासन व सरकार से इंसाफ मांगा। धरने पर बैठे इस परिवार का अपने कुनबे के साथ संपत्ति को लेकर तकरार चला हुआ है और इसकी शिकायत पर मूनक थाना कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा। ऐसे में महिला धरने पर अपनी माँ, पति, बेटी और घर के पशुओं को लेकर भी पहुंच गई। गगसीना गांव निवासी मंजू ने बताया कि उसके चाचा ताऊ उनके पिता की हिस्से की जमीन पर उन्हें खेती करने से रोकते हैं। उनके हिस्से में 3.5 एकड़ जमीन है। उनके दो भाई थे, दोनों की मृत्यु हो चुकी है। उसके पिता को कैंसर की बीमारी थी। वर्ष 2014 में उसके पिता ने उनके नाम जमीन करवा दी। 2016 में उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद उस जमीन पर वे खेती करने लग गए। जब भी फसल बुआई का समय आता है तभी उसके चाचा ताऊ उन्हें जमीन पर खेती करने से रोकते हैं। खेतों में जाने पर उन्हें उनसे मारपीट करते हैं। हमारी गाड़ी को तोड़ दिया, खेत में सामान उठा लेते हैं। वे अपने परिवार के साथ न्याय की गुहार को लेकर सचिवालय में पहुंची है। साथ में बर्तन पशुओं को लेकर आए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक यहाँ पर धरना रखेंगे, बनाएंगे और खाएंगे। वहीं परिवार के दूसरे सदस्य सुरेश कुमार ने बताया कि सचिवालय के सामने बैठे हैं। एसपी ने उनका बहुत बढ़िया काम किया है। एसएचओ मूनक ने हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वे दूसरी पार्टी से मिला हुआ था, एसपी के आदेश भी नहीं माने। पोल चोरी होने की शिकायत पर 107 व 151 की धाराओं के तहत केस दर्ज करते हैं। कल उनके साथ फिर से खेत में हमला किया तो फिर से धरने पर बैठे हैं। जब परिवार ने कहा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वे अपने पशुओं को भी यहीं पर चारा खिलाएंगे और खुद भी यहीं पर खाना बनाएंगे। सेक्रेट के सामने बैठ के पहले ही बैठे थे हम। एसपी साहब ने मारा बहुत बहुत मतलब काम करया, बहुत ही मतलब बढ़िया, और बार बार कहेंगे, लेकिन एसएचओ मुड़के ने कोई कार्रवाई नहीं करी और उनके पीछे खा रहा था। एसपी साहब ने न्यू कह दी अगर बहन पर 145 की कार्रवाई कर दे सारी जमीन पर, चाहे कोई हो अपना आप फैसला कर लेंगे। एसएचओ मुनक ने वह भी नहीं करी। मेरे खेत में तो मतलब पोल चोरी हुई, ये देखो मैंने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सुना दूंगा मैं एसएचओ मुनक की। मेरी सासू पीटी और खेत में तो पोल ठा के ले गए और पुलिस ने पर्चा दर्ज करा चोरी का नहीं, 107 क्या उनका पर्चा दर्ज करे पुलिस, एसएचओ मुनक 107 क्या उनका पर्चा दर्ज करे है, तो नो बता कितनी मेले भगत है। कल फिर मारा गेल गई करी उनने हरकत, मैं फिर गया फिर भी वैसा चमड़ नहीं होगा बोला तेरा बजो बन दिए तू। चल आज क्या किया, आज क्या करते जी, आज तो अपन कल ये शाम की बात है और उनने मेरी जो गाड़ी भी तोड़ के थे और घर तो कीमती सामान ले गए थे। हम तो सारा सामान तुम्हारे घर में था वो लिए आए जी। और एक बात बताओ जी, गरीब आदमी मैं खेती करूँ क्योंकि मैं और तो बिजनेस तो व्यापार तो मेरा है नहीं, ये मैं 100-125 किलोमीटर तो आऊँ, 1000 रुपया में गाड़ी आऊगी नहीं, बस का भाड़ा भी लागेगा और भी के में लागेगा और भी घर में खर्चा रहोगा, आड़ान दे खतरा रहा है। हम के चर्चा है धरने पे आज डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने बैठे हैं जी एसपी। हाँ बिल लिया है जी, गाय भैंस और के मारे हैं पशु थे अपने लिए। और क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार है जी। जी मारा एसएचओ मुनक को जो जमीन है जो जायदाद मेरे पिताजी ने दी थी, जो मेरे काका ताऊ काका है वो दे नहीं रहे जी, मजबूरी है जी। और माम क्या कर सका जी, 4 भिन्न हो गए जी, हमने बनिया ने मैटी होने देना जी। कल भी वही बात 10 बता मैं एसपी साहब से मिल चुके हैं जी। मैं पार्टी नहीं बनता, क्या पूरा मामला है किस? मेरे 3.5 किले हैं जी, जो मेरे 3.5 किले हैं, मेरे दो भाई थे, मेरे दोनों भाई एक्सपायर हो गए जी। मेरे पिताजी को कैंसर थी, 2014 में मेरा जमीन नाम करा दी जी मेरे पिता ने, 2016 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए जी। मेरे पिताजी के जाने के बाद हर साल का काम है जी, उन्हें बिजाई के टाइम पर है नहीं, हर साल का काम है जी, उन्हें बिजाई के टाइम पर है नहीं, हर हाई गढ़ी का हाई छमार का काम है, थाना पुलिस में दरखास्त देना, एसपी साहब से मिलना, एसएचओ साहब से मिलना, कोई उनके प्रति कोई कार्रवाई तो नहीं। आज आपने क्या किया है, कहाँ है वगैरह? हम तो धरने पर बैठ गए जी, जितना हमने न्याय नहीं मिलेगा जब तक बैठे रहेंगे जी। दक्षिणा गांव से है जी। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? हम तो ये मांग कर रहे हैं जी, जी मैम उनकी जमीन में कोई इंटरफेयर नहीं करते तो हमारी जमीन में क्यों इंटरफेयर कर रहे जी? उनकी जमीन न्यारी है जी, हमारी न्यारी है जी, हमारी जमीन ना कब जावे जी? खेत में जाना तो कोठे का ताला तोड़ लिया जी, बिजली के पोल आए बिजली के पोल उठा लिए जी, चोरी कर लिया जी उनने,
मारे घर में पड़ रखे कीमती सामान था जी, वो उठा कर ले गए जी। मेरे पति के साथ मार पिटाई करके, मेरी माँ के साथ मार पिटाई करके हमारी गाड़ी तोड़ गए जी। युवा गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी थी जी, वो भी पुलिस वाले उठा ले गए जी। आज आप क्या क्या लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं? हम तो अपने जो हमारे घर में था, डांगर बर्तन बर्तन सब लेकर पहुँच गए जी। क्या नाम है आपका? मंजू नाम है जी।